गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास गांव घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं एक बहुत सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। क्या लगता है तुम्हें इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ क्षणों तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया और उसने अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको ज़रूर बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल भी तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली थी और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? दादाजी ने पूछा। बाहर वाला, लड़का कुछ शर्माते हुए बोला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा, फिर कैसे? लड़का आश्चर्य से बोला। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बाहर वाले पौधे को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने के अपने फायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान को इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही आज इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुमने उस बात को अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल होगे। यह कहकर दादाजी ने आगे कहना शुरू किया, अगर तुम जीवन भर सुरक्षित विकल्पों को चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है, लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस वृक्ष की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बात समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में ज़्यादा सफल बनाती हैं।